अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो फिल्म लैंड कैफे। मी मोहम्मद उस्मान सदीकी, योर कोच एंड योर मेंटोर। आज के लेक्चर के अंदर हमारी 2.5 की लेक्चर सीरीज जारी थी। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और इससे आगे फर्दर हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हमने उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर जो वेरिएबल है, इधर कुछ जगहों पे एक्स है, कुछ जगहों पे थीटा है, फिर कुछ जगहों पे भी थीटा है। एक्स और थीटा, यही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो कहीं पर हमने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना है, कहीं पर हमें डी ओवर डी डी वाई ओवर डी थीटा फाइंड आउट करना है। सो हम अपना शुरू करते हैं टॉपिक। तो अब हम इसको पहले तो लेट कर लेते हैं y के इक्वल। अब हम बोथ साइड्स पे डेरिवेटिव को अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि अंदर वेरिएबल x है, इसलिए मैंने यहां dx इस्तेमाल किया है। d ओवर dx, ये x स्क्वायर secant 4x। अब यहां पर देखिए, दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डेरिवेटिव का साइन अप्लाई हो रहा है। जब दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो और डेरिवेटिव का साइन अप्लाई हो, तो वहां हमें पता है हम क्या प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस फार्मूले का दूसरा वैसे ही और पहले का डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वायर secant 4x का क्या डेरिवेटिव आता है, secant थीटा का क्या डेरिवेटिव होता है, या secant x का क्या डेरिवेटिव होता है, secant x और tan x। ये पूरा x है, ठीक है। अब एंगल का फर्दर डेरिवेटिव लिया जाता है और ये secant 4x वैसे ही आ गया और x के का डेरिवेटिव 2x आ गया। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर सीकेंट 4x टेन 4x और 4x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 4 आएगा। अब मैंने आपको बताया था, हमेशा जो आगे जो भी अमाउंट आती है वो हमेशा किससे मल्टीप्लाई होती है, वो हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होती है, ना कि उसके थीटा के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो ये आ जाएगा 2x सीकेंट 4x। अब ये चीज जो है ये इससे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मल्टीप्लाई होगी, ना कि उसके एंगल से। इसी तरीके से ये भी चीज इसके एंगल से मल्टीप्लाई नहीं होगी, ये जो टर्म है ये इससे मल्टीप्लाई होगी। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर secant 4x tan 4x प्लस का 2x secant 4x। अब इस पूरी टर्म में आप चेक करें कि आपके पास क्या चीज कॉमन आती है। तो ये 2x secant 4x जो है वो कॉमन है, तो यहां बचेगा 2x और secant 4x निकल गया तो tan 4x और प्लस 1, ये आपके पास dy ओवर dx आ गया। ये आपके पास आंसर था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास है tan क्यूब थीटा और secant स्क्वायर थीटा। ये बात आपको मैं पहले क्लियर कर दूं कि उसके एंगल के ऊपर वो पावर नहीं आती, हमेशा जो पावर आती है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर पावर आती है। अब हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल tan क्यूब थीटा और secant स्क्वायर थीटा, दोनों साइड पर डेरिवेटिव को अप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर देखें, अंदर वेरिएबल थीटा है, तो इसीलिए डी थीटा मैंने अप्लाई किया, डेरिवेटिव लिया है मैंने थीटा के लिहाज से secant स्क्वायर थीटा। तो अब यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहली टर्म एज इट इज, दूसरी टर्म का डेरिवेटिव। इसको मैंने इसलिए ऐसे करके लिख दिया क्योंकि जब हम इसको स्क्वायर को फिर खोलेंगे तो फिर हमारे पास और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर आ जाएगा। सो secant स्क्वायर थीटा और tan थीटा क्यूब आ गया। उसके बाद
टेन क्यूब थीटा एज इट इज आ गया। अब देखें यहाँ पर पहले बेस के ऊपर पावर है, तो बेस के ऊपर जो पावर है पहले तो पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में पावर में से एक कम कर देंगे और फिर बेस का फर्दर डेरिवेटिव ले लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये सीकेंट स्क्वेयर थीटा एज इट इज आ गया। अब यहाँ पर भी पावर लगेगी, पावर शुरू में पावर में से हम एक कम कर देंगे और बेस का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। तो अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू सीकेंट थीटा टेन क्यूब थीटा, और सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, सीकेंट थीटा और टेन थीटा आएगा डेरिवेटिव प्लस का, ये सीकेंट स्क्वेयर थीटा एज इट इज आ गया और यहाँ प्लस नहीं आएगा। सो ये आ जाएगा थ्री टेन स्क्वेयर थीटा और टेन थीटा का डेरिवेटिव आएगा सीकेंट स्क्वेयर थीटा, और एंगल का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे वो वन आएगा। अब एक सीकेंट थीटा ये है और एक सीकेंट थीटा ये है, तो सीकेंट स्क्वेयर थीटा हो गया सीकेंट स्क्वेयर थीटा, और एक ये सेकंड टेन क्यूब थीटा है और ये टेन थीटा है, तो ये टेन फोर थीटा हो गया, और ये थ्री सेकंड स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर सेकंड फोर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा। अब हम इसमें देखें इस पूरी टर्म में कॉमन क्या चीज आती है, कॉमन आता है हमारे पास सेकंड स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा हमारे पास कॉमन आता है, तो टू टेन स्क्वायर थीटा बचेगा और प्लस का थ्री सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास डी वाई ओवर डी थीटा आ गया, ये हमारे पास आंसर है। अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है साइन टू थीटा माइनस का कोस थ्री थीटा। इसके अंदर अब हम इसका अब हम डेरिवेटिव लेते हैं, लेट कर लेते हैं इसको पहले, तो वाई की इक्वल साइन टू थीटा माइनस का कोस थ्री थीटा का होल का स्क्वायर। यहाँ पर देखें पहले बेस के ऊपर पावर है, तो बेस के ऊपर जब पावर होती है तो हम वहाँ पर पहले पावर रूल लगाते हैं, तो पावर रूल देखें पहले तो हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं बोथ साइड्स पे। अब अंदर वेरिएबल थीटा, इसलिए थीटा के हिसाब से डेरिवेटिव लेते हैं, तो साइन टू थीटा माइनस का कोस थ्री थीटा और उसका होल का स्क्वायर। सो ये पावर रूल लग जाएगा, पावर शुरू में बेस एज इट इज पावर में से एक कम कर देंगे और बेस का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे साइन टू थीटा माइनस का कोस थ्री थीटा, तो टू इंटू साइन टू थीटा माइनस का कोस थ्री थीटा। अब साइन का डेरिवेटिव लें तो साइन का डेरिवेटिव आता कोस कोस थीटा। अब उसके एंगल का फर्दर डेरिवेटिव लेते होते हैं, जब एंगल का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो वो टू रह जाएगा रिमेनिंग में। अब कोस का डेरिवेटिव लें तो कोस का डेरिवेटिव आता है माइनस का साइन, वो माइनस और वो फार्मूले का माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और साइन थ्री थीटा, और फिर एंगल का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो वो थ्री आ जाएगा। अब ये आ जाएगा टू इंटू साइन टू थीटा माइनस का कोस थ्री थीटा, और ये जो टर्म है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये भी इसी तरीके से, तो ये आ जाएगा टू कोस टू थीटा और प्लस का थ्री साइन थ्री थीटा। अब यहां पर देखें कि आपके पास कुछ कॉमन आता है तो आप कॉमन निकाल लें, नहीं तो ये हमारे पास आंसर निकल आएगा। तो इसके बाद अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है इसका लास्ट क्वेश्चन है, और उस लास्ट क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ है और किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे स्मार्ट सिलेबस में भी इन्वॉल्व है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर फोर है, उसके अंदर अब हमारे पास है कोस कोस अंडर रूट एक्स प्लस का होल का अंडर रूट साइन एक्स। अब इसमें देखिए हम इसको पहले लेट कर लिए, हम इसको y की इक्वल cos अंडर रूट x प्लस का अंडर रूट साइन x। अब बोथ साइड्स पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव लेंगे cos अंडर रूट x प्लस का
साइन एक्स। अब अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे, कोस अंडर रूट एक्स प्लस का डी ओवर डी एक्स, अब इसको साइन एक्स को होल का वन ओवर टू कर देते हैं। अब कोस का डेरिवेटिव ले तो कोस का डेरिवेटिव क्या आता है, साइन माइनस का साइन और एक्स। अब एंगल का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो वन ओवर टू आ गया ये। अब यहां देखें बेस के ऊपर पहले पावर है तो पहले पावर रूल लगेगा, यहां पर पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक कम कर दी, और बेस का जब फर्दर डेरिवेटिव लेंगे सो यह आ जाएगा माइनस का साइन अंडर रूट एक्स, और यहां पर भी पावर लग जाएगा, पावर शुरू में पावर में से एक कम कर देंगे, बेस का जब फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो वो वन आएगा, प्लस का वन ओवर टू, और ये आ जाएगा साइन एक्स और माइनस का वन ओवर टू, और साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो कोज एक्स आएगा। साइन एक्स का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो कोज आएगा, कोज एक्स आएगा, और एंगल का जब हम फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो वो तो वन आएगा। अब इसको उठा के नीचे ले जाए ताकि जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाए, और इसको भी उठा के नीचे ले जाए ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए, तो माइनस का साइन अंडर रूट एक्स और वन बाय टू अंडर रूट एक्स, प्लस का वन ओवर टू अंडर रूट साइन एक्स, और ये कोज एक्स। अब ये कोज एक्स वन से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये चीज इससे मल्टीप्लाई हो रही है, सो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस का साइन अंडर रूट एक्स ओवर टू अंडर रूट एक्स, प्लस का कोज एक्स ओवर का टू अंडर रूट साइन एक्स बचा। अब इसमें से वन ओवर टू जो है वो कॉमन निकाल लेते हैं, तो माइनस का साइन अंडर रूट एक्स ओवर का अंडर रूट एक्स बचा, और प्लस का कोज एक्स अंडर रूट साइन एक्स बचा, और ये हमारे पास डेरिवेटिव आया डी वाई ओवर डी एक्स। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना था, क्वेश्चन नंबर टू। सो अब हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर जो पार्ट नंबर हमारा वन है वो है वाई इज इक्वल टू एक्स कोज वाई। सो इसको करते हुए हम क्या करेंगे, पहले तो जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे इसके ऊपर तो ये डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, और इधर भी हम डेरिवेटिव बोथ साइड्स पर मीन्स टू से डेरिवेटिव अप्लाई करना है, तो एक्स वाई एक्स कोज वाई। अब यहाँ पर दो फंक्शन आपस में, दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहां पर क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट लग जाएगा, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव एक्स, और कोस वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, मतलब कोस थीटा का कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन थीटा और उसके एंगल का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो ये डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, प्लस का कोस वाई और एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो वन आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स साइन वाई डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, प्लस का कोस वाई, और एक हमारे पास ये डी वाई ओवर डी एक्स ये भी चल रहा था। अब मैंने आपको बताया था 2.4 के अंदर भी, 2.4 करते हुए मैंने आपको ये बताया कि जो सूटेबल चीज़ें होती हैं वो उनको एक दूसरे के करीब लें ताकि उसके अंदर से हम कोई चीज़ कॉमन निकाल लें। तो यहाँ पर देखें ये डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ मौजूद है, इसको हम इस डी वाई ओवर डी एक्स के पास ले जाते हैं, यहाँ पर माइनस है, ये माइनस की वैल्यू है, उधर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स साइन वाई और डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कोस वाई आ गया। अब इन दोनों में से देखें कि हमारे पास क्या कॉमन आता है, डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन आता है। अब जो कॉमन निकाला तो यहाँ वन बचा और ये एक्स साइन वाई बचा और ये कोज वाई बचा। अब ये चीज जो है यहाँ पर, ये पूरी टर्म जो यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आएगी तो डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि हमने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो ये कोज वाई ओवर वन प्लस एक्स साइन वाई, ये हमारे पास आंसर है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर टू की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन है x इज इक्वल टू y साइन y, सो बोथ साइड्स पर डेरिवेटिव को अप्लाई करें तो d ओवर डी एक्स हमने अप्लाई किया और ये यहां पर भी d ओवर डी एक्स अप्लाई किया y साइन y, तो ये dx ओवर डी एक्स हो गया वन
और ये यहाँ पर भी प्रोडक्ट लगेगा पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज और पहली टर्म का डेरिवेटिव। y साइन y का डेरिवेटिव होगा cos y और उसके एंगल का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो dy वाई ओवर डी एक्स प्लस का साइन y एज इट इज आ गया और y का डेरिवेटिव लेंगे तो वो dy वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। अच्छा आगे अब हमने क्या करना है, अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे तो ये y cos y और dy वाई ओवर डी एक्स प्लस का साइन y और dy वाई ओवर डी एक्स। यहां पर ये वन है, ये वन भी चल रहा है। अब इस पूरी वैल्यू के अंदर देखें कि आपके पास कॉमन क्या आता है, इस पूरी वैल्यू के अंदर आपके पास कॉमन जो है वो डी वाई ओवर डी एक्स आएगा और वाई कोस वाई बचेगा और प्लस का साइन वाई बचेगा और ये वन। अब हमें क्या चाहिए, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू चाहिए, ये यहाँ मल्टीप्लाई और इसके नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा तो वन ओवर वाई कोस वाई प्लस का साइन वाई, ये डी वाई ओवर डी एक्स आ गया। मीन्स टू से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वन ओवर वाई कोस वाई और प्लस का साइन वाई आ गया। अब हम अपने मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ, क्वेश्चन नंबर फोर भी बिल्कुल इजी और आसान है। अब हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर पार्ट नंबर वन है, पार्ट नंबर वन को अब हमने जो सॉल्व करना है वो है हमारे पास कोस अंडर रूट वन प्लस एक्स और वन प्लस टू एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आगे जो भी कुछ पड़ा होता है, जो भी कुछ है वो उसका फंक्शन, वो उसका थीटा है, वो उसका एक्स है। सो मीन्स टू से कि अगर अब हम इसको लेट कर लेते हैं वाई की इक्वल वन प्लस एक्स और वन प्लस टू एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स मतलब जब हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया तो डिफरेंशिएट बन गया और ये डी ओवर डी एक्स, तो कोस और ये उसका एंगल आ गया वन प्लस एक्स और वन प्लस टू एक्स। अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, अब कोस का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास आएगा माइनस का साइन और एक्स, ये पूरा एक्स उसका आ गया वन प्लस टू एक्स, और फिर उसके बाद उसके एंगल का जब फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो वन प्लस एक्स और वन प्लस टू एक्स और ये वन बाय टू। अब यहां पर हम लगाएंगे कोशेंट रूल क्योंकि दो वेरिएबल आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, और यहां ये इसको एज इट इज चलाते चले जाएंगे, अब इसको क्वेश्चन रूल लगाने से पहले क्या करेंगे, देखें यहां बेस के ऊपर पावर है, बेस के ऊपर पावर तो पावर शुरू में बेस एज इट इज पावर में से एक कम कर दी और बेस का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो वन प्लस एक्स वन प्लस टू एक्स। अब इस जगह पे लगेगा हमारा क्वेश्चन रूल और ये सारी चीजें एज इट इज चलती चली जाएंगी, माइनस का साइन अंडर रूट वन प्लस एक्स और वन प्लस टू एक्स और वन ओवर टू वन प्लस एक्स और वन प्लस टू एक्स माइनस का वन ओवर टू एज इट इज आ गया। अब यहां पर हम लगाएंगे क्वेश्चन रूल, नीचे वाले का स्क्वेयर, नीचे वाली चीज ऐसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव जब लेंगे तो वो वन आएगा माइनस फार्मूले का ऊपर वाली टर्म एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो वो टू आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं वन प्लस टू एक्स हो जाएगा और माइनस का टू एक्स हो जाएगा और वन प्लस टू एक्स का होल का स्क्वायर और ये जो है वन प्लस टू एक्स और वन प्लस एक्स माइनस का वन बाय टू वैसे ही आ गया और वन ओवर टू और ये माइनस का साइन वन प्लस एक्स और वन प्लस टू एक्स एज इट इज आ गया। अब ये देखें ये प्लस का टू एक्स है, ये माइनस का टू एक्स कैंसिल हो गया, माइनस का दो में से एक गया तो माइनस का एक बचेगा, सो मैं यहां कर देता हूं इसको माइनस का साइन वन प्लस एक्स और वन प्लस टू एक्स और क्या बचा वन ओवर टू
जब हम इसकी पावर को अब अलग अलग कर देते हैं, 1/x माइनस का 1/2 और 1+2x माइनस का 1/2, और वो हो गया माइनस का 1 बचा, माइनस का 1/1+2x का होल का स्क्वायर। अब ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, या तो इसको डायरेक्टली नीचे ले आए, ये पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको नीचे ले आए। अब देखें ये बेसिस सेम है तो ये पावर ऐड हो जाएगी, 1+x, 1+2x और माइनस का 1/2 के अंदर प्लस 2 कर दें। अब जब ये चीज नीचे आएगी तो ये चीज पॉजिटिव हो जाएगी, ये जो ऊपर वाली टर्म है, और ये माइनस का 1 और ये 1 माइनस का 1 हो जाएगा क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये चीज बच जाएगी माइनस का साइन 1+x, 1+2x। अब इसका एलसीएम ले, ये आ जाएगा 3/2, 2/1+2x, ये 3/2 हो गया, और इसको आप अंडर रूट के सूरत में लिख दें। अब ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस का साइन अंडर रूट 1+x/1+2x, ये हमारे पास आंसर आया dy/dx। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास साइन की कहानी है, वहां पर कोस की थी, यहाँ साइन की है। जो डिनोमिनेटर में चीज थी वो नोमिनेटर में आ गई, और जो यहाँ पर नोमिनेटर में चीज थी वो डिनोमिनेटर के अंदर आ गई। ये भी बिल्कुल आसान और इजी है, इसी तरीके से होगा। इसको पहले साइन को आप पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो साइन का कोस आ जाएगा और एक्स उसके साथ एज इट इज आएगा। जब एंगल का उसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, जब एंगल का फर्दर डेरिवेटिव आएगा तो उसके अंदर पहले तो ऊपर उसके ऊपर 1/2 आ जाएगा अंडर रूट की जगह। उसके बाद पहले यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे, पावर रूल के बाद आप इसके ऊपर क्वेश्चन रूल लगाएंगे, क्वेश्चन रूल को सॉल्व करते हुए आपके पास आंसर आ जाएगा, जैसे हमने इस तरह से किए। ये जनरल जनरल स्टेप्स हैं जिसके साथ हमने अपने क्वेश्चन को फिनिश करना है। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू की कहानी है, मदर डिपेंडेंस है, कि एक चीज जो है वो दूसरे की रिस्पेक्ट, दूसरे की डिपेंड कर रही है उस चीज़ पे, तो उसको भी हम देखेंगे। उसको हमने चेन रूल से करना, जो हमने 2.4 के अंदर, हमने क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर डिटेल में हमने पढ़ा था विद रिस्पेक्ट टू की कहानी। एक चीज़ को आपने यू के को लेट कर देना है, एक चीज़ को आपने वाई के को लेट कर देना है, फिर वो इक्वेशन 1 बना लेनी, इक्वेशन 2 बना के फ्रॉम इक्वेशन 1 सॉल्व करते चले जाना, फ्रॉम इक्वेशन 2 सॉल्व करते चले जाना, फिर एंड में आके चेन रूल लगाना, चेन रूल लगा के आपका आंसर आ जाएगा। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। सो इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को, 6 को, 7 को, ये सारे जो आगे हमारे पास प्रूफ्स आ जाएंगे ये बिल्कुल सेम है। लेकिन अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं सीरीज कुछ ऐसे रखूंगा कि जो इस एक्सरसाइज के अंदर 2.5 जो है, 2.5 में जितने भी चेन रूल के क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 5 है, एक क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, एक क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, ये तीन क्वेश्चन जो है इनको मैं एक ही लेक्चर के अंदर मैं मर्ज कर दूंगा। और उसके बाद जो प्रूव्स हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 एक प्रूफ का है, और फिर क्वेश्चन नंबर 11 भी प्रूफ का है, लेकिन वो मैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अलग उसका एक लेक्चर बनाऊंगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इन तीन की मैं एक अलग सीरीज बनाऊंगा, एक अलग इसकी लेक्चर बनाऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।